इन टैंक्स को ध्यान से देखिए और बताएं कौन सा टैंक सबसे पहले भरेगा। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए और समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले टैंक ए भरना शुरू हो जाएगा, उससे पानी टैंक बी में फ्लो होना शुरू हो जाएगा और टैंक बी से टैंक सी में पानी भरना शुरू हो जाएगा। टैंक सी में पानी बढ़ेगा और टैंक डी के इनलेट पाइप में भी भरना शुरू हो जाएगा। पानी फिर टैंक डी के इनलेट तक भरेगा और उसी लेवल पे टैंक सी तक भी भरेगा। उसके बाद टैंक सी में पानी भरना बंद हो जाएगा और टैंक डी में पानी भरना शुरू हो जाएगा और टैंक डी से टैंक ई में जाना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में टैंक ई में पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर टैंक एफ में भी बढ़ेगा और फाइनली टैंक ई पूरा पानी से भर जाएगा। तो सबसे पहले टैंक ई भरेगा। क्या आप इसको सही से सॉल्व कर पाए, हमें जरूर बताएं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, अगर इस पिक्चर को मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये कैसा दिखेगा, ए बी सी या डी जैसा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर है सी। इसका आंसर समझने के लिए कलर्स को ध्यान से देखिए, वो किस ऑर्डर में है तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी का एक रात को मर्डर हो जाता है। रूम के सारे विंडो और डोर लॉक्ड थे। सिर्फ चार लोग ही उस टाइम घर पे थे और रूम में जा सकते थे, मेड, कुक, वाइफ और उसका बेस्ट फ्रेंड। मेड, मैं जस्ट जब रूम में सर को उठाने के लिए घुसी तो देखा सर डेड थे, तो मैं डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुक, मैं खाना बना रहा था और मुझे कुछ भी नहीं पता है। बेस्ट फ्रेंड, मैंने मेड की आवाज सुनी और रूम की तरफ दौड़ा। रूम में अंधेरा था तो मैंने लाइट चालू किया और देखा कि रूम में सब खून खून है और मेरे फ्रेंड की गर्दन पे किसी ने चाकू मार दिया है। वाइफ, मैं फ्रेंड के साथ थी और हम दोनों रूम की तरफ साथ में भागे थे। चारों की गवाही सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन हो सकता है? आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं ध्यान से सुनने के लिए और आपका आंसर जरूर कमेंट करें, आपको क्या लगता है खूनी कौन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेड ने कहा, मैं जस्ट रूम में घुसी और सर की डेड बॉडी देख के चिल्लाई। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक तो रात का टाइम था और जब फ्रेंड और उसकी वाइफ साथ में रूम में पहुंचे तो रूम में अंधेरा था। उन्हें लाइट चालू करना पड़ा देखने के लिए। अंधेरे में मेड को कैसे पता चला? मतलब वो झूठ बोल रही है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस क्लॉक को ध्यान से देखिए और बताएं इस क्लॉक में क्या गलती है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 7 है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इस क्लॉक को ध्यान से देखिए और बताएं इस क्लॉक में क्या गलत है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्लॉक में 4:30 हो रहे हैं। 4:30 के टाइम पे छोटा काटा 4 और 5 के बीच में होना चाहिए, लेकिन वो 4 पे है और यही इस क्लॉक में गलत है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं। इस पिक्चर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ तो गलत है। क्या गलत है, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए।
और इसका सही जवाब है इसमें F वाली सीक्वेंस में एक E है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार तूफानी बारिश की रात में प्रोफेसर काका का मर्डर हो जाता है। मर्डर के टाइम पे घर पे 3 लोग मौजूद थे, काका की वाइफ, कुक और गार्डनर। तीनों से गवाही लेते हैं। कुक, मैं काका की वाइफ के लिए डिनर लेके जा रही थी। वाइफ, मैं उस वक्त सो रही थी। गार्डनर, मैं झाड़ों को पानी दे रहा था। तीनों की गवाही सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप तीनों की गवाही को ध्यान से सुनेंगे तो गार्डनर बोल रहा है वो गार्डन में पानी दे रहा था। एक तो रात थी और ऊपर से बारिश हो रही थी, ऐसे में कौन गार्डन में पानी देता है? मतलब गार्डनर झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसा क्या है जिसमें 88 कीज है लेकिन उससे कोई भी दरवाजा नहीं खुल सकता? क्या आप बता सकते हैं? और इसका सही जवाब है पियानो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इस पिक्चर में क्या गलत है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इस पिक्चर में जे की जगह एक आई है और ये इस पिक्चर में गलत है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप इन दो पिक्चर को देख के बता सकते हैं ये भारत के कौन सा सिटी है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ना प्लस सिक, तो इसका आंसर हुआ नासिक। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप इन दोनों पिक्चर को देख के बता सकते हैं ये भारत की कौन सी सिटी है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चंडी प्लस गढ़, तो इसका आंसर हुआ चंडीगढ़। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मर्डर हो जाता है। मर्डर के 4 सस्पेक्ट्स हैं, काका, अदिति, लखन और इधान। आपको इन चारों में से मर्डरर ढूंढने के लिए 8 क्लूज मिलेंगे। आपको ये क्लूज को ध्यान से सुनना है और मर्डरर को पहचानना है। पहला क्लू, लखन और अदिति 2 मंथ पहले मिले थे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई। दूसरा क्लू, इधान मर्डर के 1 दिन पहले रात को वॉक करने के लिए गया था। तीसरा क्लू, काका और अदिति ने एक साथ न्यू ईयर की पार्टी बनाई थी। चौथा क्लू, जब से खून हुआ है लखन गायब है, उसका कोई अता पता नहीं। पांचवा क्लू, इधांत को टीवी गेम्स खेलना बहुत पसंद है। छठवा क्लू, काका अच्छा कुक है एंड अदिति के लिए खून से 1 रात पहले वो खाना लेके आया था। सातवां क्लू, बचपन से लखन और किलर आपस में बहुत लड़ते थे। आठवां क्लू, पिछले महीने एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें किलर पैरालाइज्ड हो गया था, वो अब ज्यादा अच्छे से चल फिर नहीं पाता। अब इन क्लूज को ध्यान से समझिए और हमें बताइए किलर कौन है। अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। आप क्लूज को वापस देखने के लिए वीडियो रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 7th क्लू बोलता है बचपन से लखन और किलर आपस में लड़ते थे, मतलब लखन खूनी नहीं है। पहला क्लू, लखन और अदिति
दो मंथ्स पहले मिले थे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन लखन तो किलर को बचपन से जानता है, मतलब अदिति भी खूनी नहीं है। क्लू 8 कहता है, पिछले महीने एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें किलर पैरालाइज्ड हो गया था, वो अब ज्यादा चल फिर नहीं पाता है। और सेकेंड क्लू में इधांत मर्डर से एक दिन पहले रात को वॉकिंग पे गया था, मतलब इधांत भी खूनी नहीं है, मतलब खूनी काका है। क्या आपकी पहेली ये सही हुई? जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं। आपका आंसर आप कमेंट कीजिए और बताएं आपको कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं। मैं टॉप कमेंट में आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है, लेकिन उससे पहले आप जरूर कमेंट कीजिए। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।